हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मेडिकल के छात्र हैं तब भी जान लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छा वीडियो पा गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेंगू बुखार जो है वो इतना ज़्यादा फैल क्यों रहा है और इस डेंगू बुखार से बचाव कैसे करना है। डॉक्टर तो दवा दे रहे हैं लेकिन खुद से बचाव कैसे करना है कि ये बीमारी हमसे दूसरे लोगों में ना फैले। तो आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक काम करना, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डेंगू बुखार के बारे में बताने वाला हूँ कि ये बुखार इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। और दवाइयों का इस्तेमाल करना है वो तो डॉक्टर के सलाह के द्वारा करना है, लेकिन उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन खुद से बचाव कैसे करना है कि मान लीजिए हमें ये बुखार हो गया है और दूसरे लोगों को ये बुखार ना हो जाए तो क्या बचाव करें और धीरे से जल्दी से ये बुखार को कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम लोग ठीक हो जाएं, सब कुछ आपको ये सारी बातों के बारे में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना। डेंगू बुखार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। डेंगू बुखार क्या होता है, डेंगू बुखार क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे बचें, कैसे ना बचें, सब कुछ बताऊँगा। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करने से पहले बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल आप सभी लोगों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपनी ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए सबसे पहली बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो डेंगू बुखार होता है ये होता क्या है, तब आपको बताएंगे कि ये डेंगू बुखार जो है ये फैल कैसे रहा है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेंगू बुखार जो है ये कैसे फैल रहा है लोगों को और इतना तेज़ी से बीमारी कैसे फैल रहा है, अगर आप ये जान गए तब आपको इनसे बचाव भी पता चल जाएगा। सबसे पहली बात आपको हिंदी में भी बताऊंगा और जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में भी बताऊंगा। डेंगू क्या होता है, डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन। डेंगू जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है, जो कि ये फैलता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा। तो शुद्ध इंग्लिश में जो लोग जानना चाहते हैं वो जान लीजिए, डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाई डेंगू वायरस जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं ह्यूमन थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। डेंगू बुखार जो होता है ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के द्वारा फैलता है। जो शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं वो जान लीजिए कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि ये वायरस जो होता है ये किसके द्वारा होता है, एडीस मॉस्किटो होता है, इस मच्छर का नाम होता है एडीस मॉस्किटो, और ये एडीस मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। ये संक्रमित मच्छर होते हैं और इनके काटने के द्वारा ये फैलता है। ये एक प्रकार का वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है, टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुँचाने का काम करता है ये बीमारी। समझ गए आप लोग। तो ये जो बात आप लोगों को बताए हैं समझ तो ये बात उनको आया होगा जो लोग मेडिकल के छात्र हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया होगा जो मेडिकल के छात्र नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कहा हूँ आप लोग अपने फैमिली में भेजिए, रिलेशंस में भेजिए, जिन्हें उनको भी ये पता चल जाए कि ये बीमारी कैसे फैल रहा है। तो जो मेडिकल के छात्र नहीं देख रहे हैं उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पेशेंट है जिनको डेंगू फीवर हुआ है, ठीक, इनको डेंगू बुखार हुआ है, और यहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी है जिन्हें डेंगू बुखार नहीं हुआ है, जिन्हें हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये हेल्दी पर्सन है। अब यहाँ पर बीच में एक मॉस्किटो है, ये उड़ते हुए आया और इनको बाइट कर लिया जिन्हें डेंगू बुखार है, तो ये मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस बुखार से। और जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाएगा और फिर आकर के ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, काट लिया, तो ये आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और धीरे धीरे करके इनको भी क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा। ये एडीस मॉस्किटो होते हैं जो संक्रमित मच्छर होते हैं, इनका नाम होता है एडीस मॉस्किटो। तो ये बीमारी फैलाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ये बीमारी फैलाने का जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं मॉस्किटो। समझ गए ना, यही दो चीज़ आपको अगर पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक यहाँ पर डेंगू फीवर वाले पेशेंट हैं और यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन घूम रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में एक मॉस्किटो है, ये मच्छर उड़ते हुए आया, इनको काट लिया, काटने के बाद ये मॉस्किटो क्या हो गया, ये भी इन्फेक्टेड हो गया, और फिर आकर के ये उठ के किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो ये हेल्दी पर्सन भी क्या हो गए, बीमार हो गए, इनके अंदर में भी चलाएगा ये वायरस और धीरे धीरे फैल करके इनको भी डेंगू फीवर हो जाएगा और ये भी डेंगू फीवर के पेशेंट हो जाएंगे। और ये बुखार, ये डेंगू फीवर जो है ये इसी तरह से मच्छरों के द्वारा एक से दो लोगों में, दो से चार लोगों में, ठीक, और चार से छः लोगों में, आठ लोगों में, दस लोगों में ऐसा ही फैलता हुआ जा रहा है। समझ गए, इसी माध्यम से ये बुखार फैल रहा है। तो इससे बचाव कैसे करना है, तो इससे बचने के लिए आपको मॉस्किटो से बचना पड़ेगा।
और इन मच्छर से बचने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे अगरबत्ती भी बिकते हैं, बहुत सारे गुड नाइट का बिकता है प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बिकते हैं जिसको आपको लगा करके ही सोना है। और अच्छी बात यह है कि रात में सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मच्छरदानी का प्रयोग करिए, क्योंकि इनके सारे जो धुएं निकलते हैं ये कुछ हमारे बॉडी को भी अफेक्ट पहुंचाते हैं। लेकिन आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो उससे ना कोई धुआं निकलेगा, ना ही कोई हमारे नाकों के रास्ते से बॉडी के अंदर जाएगा, और ना ही कोई हमें इफेक्ट होगा। ये भी हो गया। और एक बैडमिंटन बिकता है जिसको आपको लेकर के भी सोना चाहिए कि अगर आपके रूम में कहीं पर है तो उसको घुमा देंगे तो सारे के सारे मॉस्किटो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जब मॉस्किटो मर जाएंगे तो क्या होगा, ये बीमारी वो नहीं फैला पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बात। अभी आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी आपको एक आम बात बता रहे हैं कि ये बीमारी कैसे फैल रहा है और इससे कैसे बचें। मान लीजिए आपके फैमिली में किसी को डेंगू बुखार हो गया है, ठीक, और आपके घर में बहुत सारे मॉस्किटो हैं, बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं, इनको बाइट कर लिया, इनको बाइट करने के बाद आपके परिवार में किसी और को काट लिए, तो ये तो दवा खा रहे हैं, दवा खाते खाते ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक पेशेंट बन के और तैयार हो गए, इनको डेंगू बुखार होकर के तैयार हो गया, अब ये बीमार हो गए, एक लोग ठीक हो गए लेकिन एक लोग यहाँ पर और बीमार पड़े हुए हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको मॉस्किटो को किल करना पड़ेगा अपने घरों में। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को आप लोग। तो मॉस्किटो को किल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसका इस्तेमाल जरूर करें इस समय पर, क्योंकि इस समय पर बहुत सारे खतरनाक मॉस्किटो पैदा हो गए हैं जो कि तुरंत डेंगू बुखार पैदा कर दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इनसे आप लोग बचें। समझ गए। अब चलिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनको डेंगू बुखार हो गया है। तो उनमें कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे आंखों में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, सर में दर्द होने लगेगा, मसल्स में दर्द होने लगेगा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, स्किन पर रेड स्पॉट रिजेज बनने लगेगा और जोड़ों में दर्द होने लगेगा। जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखा गया है कि आइज में पेन होगा, फीवर हो जाएगा, मसल्स पेन होगा, हेडेक होगा, एंड और क्या होगा, बोन पेन होगा, नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकता है, या फिर ज्वाइंट पेन हो सकता है, या फिर स्किन पर रेजेज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है। समझ गए आप लोग। डेंगू बुखार होने पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार का, डेंगू फीवर का लक्षण देखने को मिल रहा है, सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो हाँ लग रहा है इनको डेंगू बुखार हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है उसको कंफर्म करने के लिए, तो इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं NS1 टेस्ट, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है NGM और LGG एंटीबॉडी टेस्ट। तो कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, सबसे पहला होता है NS1 टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है LGM और LGG टेस्ट। समझ गए, ये कुछ टेस्ट होते हैं। अब देखिए LS1 और LGG टेस्ट, ये भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि क्या है पॉजिटिव क्या है निगेटिव, ठीक, तो इनके टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। कुछ और भी टेस्ट होता है डेंगू बुखार को जांच करने के लिए, जिसका नाम होता है CBC टेस्ट, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जिसे बोला जाता है, CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, TLC कम हो जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट या फिर कह सकते हैं WBC काउंट वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो CBC टेस्ट के माध्यम से भी डेंगू फीवर का पता चलता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोफोनिया टेस्ट, इसके माध्यम से पता चलता है प्लेटलेट्स के बारे में कि ये कम तो नहीं ना हो गया है। और जब किसी को ये बुखार होता है तो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स जो होता है ये डाउन होने लगता है, कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को। तो वो सारी की सारी बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक होता है LFT टेस्ट, LFT टेस्ट के माध्यम से पता चलता है SGPT और SGOT का लेवल कम है कि ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब LFT टेस्ट कराया जाता है तो अगर किसी को मान लीजिए डेंगू फीवर हुआ है तो उसमें क्या होता है, SGPT और SGOT का लेवल बढ़ जाता है। LFT का मतलब क्या होता है, LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है जिसमें देखा जाता है SGPT और SGOT का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको नॉर्मल करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, सॉरी कौन सा दवा दिया जाता है। टेस्ट तो हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से पता चलता है SGPT और SGOT का लेवल, अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम लोग कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी बात आपको यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ।
आई होप आप लोगों को सारी की सारी बात समझ में आ रहा होगा। अभी आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया, बस एकदम आसान भाषा में सब कुछ समझाया हूँ डेंगू फीवर के बारे में। अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है। डेंगू फीवर फैलने का क्या कारण होता है, तो मॉस्क्यूटो होता है, जिसका नाम होता है एडीस मॉस्क्यूटो। समझ गए ना, ये बातें बताएं आप लोगों को। फिर बताएं डेंगू फीवर होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये बात बताएं। तो अगर लक्षण देखा जा रहा है कि हाँ लग रहा है इनको बुखार हुआ है डेंगू, तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ये चार बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझा दिया हूँ। समझ गए, जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें भी समझ में आया होगा, जो मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं उन्हें भी ये सारी बात समझ में आया होगा। समझ गए, तो चलिए ये सारी की सारी बात हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डेंगू फीवर में कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर भी दो बात आपको बताने वाला हूँ, समझ गए, ये नॉलेज के लिए है आप लोग को, कौन से दवा का इस्तेमाल करना है और कौन से दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया है तो उसमें कौन से दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले तो ये आपको बताऊँगा। तो ये जानने के लिए आपको बता देता हूँ, जो पहला होता है वो होता है NSAID के क्लास का जो पेन किलर होता है मेडिसिन, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि आइबोप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, ये सारे मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपके मन में ये सवाल आएगा ना कि क्यों नहीं करना है, नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि यह जो होता है प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर कर देता है, इसीलिए NSAID के क्लास का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि क्या हो गया, आइबोप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। और आप लोगों को एंटीबायोटिक का भी यूज नहीं करना है। समझ गए आप लोग, एंटीबायोटिक और NSAIDs आप लोगों को बताए हैं कि डेंगू फीवर में कौन कौन से दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप लोगों को जो पहला बताए हैं वो बताए हैं नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसके क्लास का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें हमारे आते हैं एक आइबोप्रोफेन और जो दूसरा होता है वो होता है डाइक्लोफिनेक। तो ये है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और जो दूसरा आप लोगों को बताए हैं वो बताए हैं कि एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो डेंगू बुखार में ये कुछ दवाइयाँ होता है जिनका इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आई होप ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। NSAID जो होता है ये क्या करता है, क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर बता दिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो होता है प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो उसमें हम लोग कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, समझ गए। तो चलिए, जो सबसे पहला होता है वो दवा होता है, उसको जानने से पहले एक वार्निंग जान लीजिए कि जब किसी को फीवर खत्म होता है, डेंगू बुखार खत्म होता है, तो उसके 2-3 दिन के बाद खून की उल्टी देखा जाता है, मतलब ब्लड वोमिटिंग देखा जाएगा। 2 से 3 बार उल्टी आने लगता है, मसूड़े से खून आता है, तेज़ी से प्लेटलेट्स जो होता है कम होने लगता है। ये कुछ लक्षण देखे जाते हैं डेंगू बुखार होने के 2-3 दिन बाद, जब धीरे धीरे खत्म होता है तब भी देखा जाता है। समझ गए, तो ये कुछ वार्निंग है जो कि आपको जानना चाहिए। चलिए, अब डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सबसे पहला दवा होता है दोस्तों वो होता है हेपामर्ज मेडिसिन। अब हेपामर्ज का काम क्या होता है, हेपामर्ज का काम होता है जो आप लोगों ने LFT टेस्ट किया है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया है, तो उसमें क्या देखा है, SGPT और SGOT का लेवल जो बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है ना इस बुखार में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराएं तो आपको पता चला SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग हेपामर्ज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जिन मरीजों का SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा होता है तो उसे कम करने के लिए हम लोग हेपामर्ज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट पेशेंट के लिए दिन भर में BD दिया जाता है, मतलब दिन भर में इसको 2 बार दिया जाता है। समझ गए, हम आपको बता रहे हैं हेपामर्ज मेडिसिन के बारे में, समझ गए आप लोग, ये है हेपामर्ज मेडिसिन जो कि SGPT और SGOT के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जो कि इनका लेवल बढ़ा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा हुआ है तो कैसे पता चलेगा, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बताएं। लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराया जाता है तो इसमें हमें पता लगता है SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा है कि नहीं, अगर बढ़ा होता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हेपामर्ज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा जो मेडिसिन होता है वो होता है डोलो 650, मतलब
पैरासीटामॉल 650 एमजी का जो होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये फीवर को कम करने में हेल्प करते हैं और शरीर में जो पेन होता है उस पेन को भी ठीक करने का ये काम करते हैं, समझ गए? जिसका डोज होता है दिन भर में बीडी से टीडीएस ले सकते हैं। बीडी टीडीएस का मतलब क्या होता है? मतलब दिन भर में 2 से 3 बार आप लोग इसको ले सकते हैं, समझ गए? ये बातें हो गई। चलिए आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कैरपिल टैबलेट एंड सिरप के बारे में। कैरपिल का मतलब क्या होता है? कैरपिल के नाम से आप नहीं समझेंगे लेकिन आप इसके कंपोजिशन से जरूर समझ जाएंगे कि ये पपाया लीफ के द्वारा, पपाया का मतलब क्या होता है? पपीता के पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा गांवों में भी शहर में भी लोग जानते हैं कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो उनको कहा जाता है पपीते के पत्तियों को पीस करके आप इसको पीजिए। इससे क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होता है वो डाउन रहता है, वो क्या हो जाता है? वो नॉर्मल हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो प्लेटलेट्स को, जो प्लेटलेट्स डाउन हो गया है उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पपीते के पत्तियों का इस्तेमाल के द्वारा ही, पपीते के पत्तियों के द्वारा ही कुछ दवाइयां बना हुआ है, जैसे कि कैरपिल सिरप हो गया, इसमें पपीते के पत्तियों के द्वारा ये बना होता है, जो कि कैरपिल का टैबलेट भी आता है, इसका टैबलेट भी आता है, इनका सिरप भी आता है। इनका काम क्या होता है, इनका डोज क्या होता है वो बता देता हूँ। डोज को जानने से पहले आप पहले जानिए इनका यूज, इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है 18 साल से कम का है तो उनको ये सिरप दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं वो टैबलेट को आसानी से नहीं खाते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, थूक देते हैं, आपको सामने दिखाएंगे कि हाँ मैंने खा क्या, लेकिन मुँह के अंदर रखे रहते हैं। तो बच्चों के लिए ये सिरप बनाया गया है 18 साल से जो कम के हैं, और जो 18 साल से ज़्यादा के होते हैं उनके लिए टैबलेट बनाया गया है। चलिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डोज भी जान लेते हैं, इनका डोज क्या होता है। मान लीजिए बच्चा 1 से 5 साल के बीच का है तो उसको 5 ml दिन में 3 बार, 5 ml बच्चे को दिन में 3 बार देना है, 1 सुबह 1 शाम 1 दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 5 ml बच्चे को देना है, वो भी 5 दिन तक लगातार। और मान लीजिए अगर बच्चा 5 से 18 साल के बीच का है तो उसको 10 ml देना है दिन भर में 3 बार, TDS का मतलब होता है 3 बार, और इसको भी 5 दिन तक लगातार चलाना होता है। वहीं मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसे डेंगू बुखार हुआ है, प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, तो उनको 18 साल से अगर ज़्यादा के हैं तो उनको अब सिरप नहीं देना है। अभी तो ये 18 साल तक के बच्चों के लिए बता रहा था, जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि ml में देना है, और जब ml में देना है तो मतलब हम सिरप की बात कर रहे हैं आप लोगों को। अब 18 साल से अगर ज़्यादा के कोई हैं तो उनको टैबलेट देना है, वो भी दिन भर में 3 बार, और इनको भी 5 दिन तक लगातार इसको खाना है। एक बात और छोटा सा डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि दवाइयों के डोज जो होता है उसको 60 वर्ड में लिखते हैं डॉक्टर, जैसे कि लिख देंगे ओडी, जैसे कि लिख देंगे बीडी, जैसे कि लिख देंगे टीडीएस, या फिर वो लिख देंगे QID। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। यही एक सिंपल सी बात है जिसमें लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं कि सर आपने यहाँ पर TDS लिखा है इसका क्या मतलब है, कमेंट में पूछते हैं BD लिखा गया इनका क्या मतलब है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब यही होता है। और हमारे चैनल पर जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको एकदम रट गया है ये सारी बात, उनसे कोई भी अगर पूछ ले तो उनके बारे में वो PhD आपको करा देंगे, इतना उनको बता दिया हूँ। IPBP USP क्या होता है, AM BM क्या होता है, ठीक, जैसे कि AM क्या होता है, BM क्या होता है। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने के बाद दवा को खाना है। उसके बाद बच्चों को बता दिया हूँ कि IP क्या होता है, BP क्या होता है, USP क्या होता है, ये सारी कॉमन बातें होती हैं जो सबको पता है यहाँ पर, समझ गए? जिन्हें नहीं पता है वो सारी चीज़ों को जान जाएंगे, बस एक बार रेगुलर आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। अगर मान लीजिए डेंगू के पेशेंट हैं उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, क्या हो गया है, लॉस ऑफ वाटर। अब पानी की कमी कैसे होगा, उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया, शरीर से सारा का सारा पानी बाहर निकल गया, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस होगा, वीकनेस भी महसूस होगा, और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, शरीर में पानी की भी कमी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए बोटल्स IV फ्लूड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नॉर्मल सैलिन हो गया, रिंगर लैक्टेट सैल्यूशन हो गया, ठीक, जिसके 60 वर्ड में लिखा रहा था NS हो गया, RL हो गया, DNS हो गया, D5 हो गया, ये सारे बोटल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये बोटल्स का प्रयोग करने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर जरूर नाप लेना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ में साल्ट पाए जाते हैं, तो जिनमें साल्ट जैसे इसमें पाया जाता है तो आपको पता है कि जो पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें नमक खाने से
मना किया जाता है। और इसमें साल्ट पाया जाता है, साल्ट का मतलब नमक होता है। तो पेशेंट का वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई है और आपने बोटल्स चढ़ा दिया तो और भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, ठीक, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अब जितने सारे लोग यहाँ पर कॉमन लोग देख रहे हैं या फिर जितने सारे यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं, वो सारे लोग अगर मान लीजिए हमें पर्सनल कोई बात बताना चाहते हैं, वो लोग कहाँ पर बताएंगे? तो आप लोग अगर अपनी कोई बात हमें बताना चाहते हैं तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे वहाँ पर सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। जिन्हें स्पेलिंग नहीं लिखना आ रहा है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का, वो लोग चैनल का नाम लिख दीजिए, हमारे चैनल का जो नाम है वही लिख करके वहाँ पर सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। आपको इंस्टाग्राम में सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉलो करके जो लोग कोई भी बात बताना चाहते हैं, जैसे आप भी मेडिकल के छात्र हैं या फिर आम जनता हैं जो मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं और कोई भी बात बताना चाहते हैं, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो करके और अपनी बात बता सकते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हमारा कि बुखार बहुत तेज़ी से लोगों को फैल रहा है, तो इस बुखार को कंट्रोल करने के लिए, इस बुखार से बचने के लिए आप लोगों को ये अपने परिवार में सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही मैं कहूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।